जैसे मैंने दिखाया था कि अहमदाबाद में ट्रैफिक उतना ही है जितना रेगुलर रहता है, तो भाई आज भी उतना ही है, ठीक है। तो चाले बोलू वेलकम बैक टू दी चैनल हूं रूपेश चावड़ा। हम लोग यहाँ पे आ गए पथियारी गली में सिल्वर फिश शॉप। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज थोड़े फिश के नज़ारे कैसा रहता है यहाँ पे, कौन सी फिश रहती है, किस किस तरीके की यहाँ पे ये लोग चीज़ें रखते हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारे साथ यहाँ पे शोएब भाई, और शोएब भाई बताएंगे कि शोएब भाई यहाँ पे कौन सी टाइप की फिश है यहाँ पे अवेलेबल, थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। हाँ, ये एक तो है ब्लैक पॉम्फ्लेट, हाँ ये सी फूड है, सिंगल बोन आएगा इसमें, और इसके अलावा ये इंडियन सालमन बोलते हैं इसको। एक आती है मैक्सिकन सालमन, उसका मीट जो होता है वो ऑरेंज होता है और इसका वाइट होता है, इंडियन सालमन यहाँ पे इसी को कहते हैं। उसके अलावा ये किंग फिश है, ये सिंगल बोन है, ये किंग फिश, और ये जो है ये लेग फूड है, इसका नाम है पेंग्वेस, और ये बोनलेस होने के बाद इसको बोलते हैं इंडियन भाषा। अच्छा, ये पेंग्वेस नाम है पेंग्वेस। और यह गुजराती में इसको सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। हाँ हाँ, वैसे हमारी शॉप का नाम भी सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर फिश, और ये पथियारी गली में आई हुई है अहमदाबाद में। आप किसी को पथियारी गली पूछोगे तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। और इसके बाद ये टाइगर प्रॉन्स है, ये तेल वाले आते हैं और बारबेक्यू करने के लिए। Okay. ये टाइगर प्रॉन, ये विदाउट हेड और विदाउट सेल आता है, और ये आता है ये 400 रुपीज होता है, लेकिन ये फ्रोजन होता है। अच्छा, ये और ये है फ्रेश। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, और ये फ्रोजन। यहाँ पे ये वाले भी फिश रहते हैं बहुत सारे। हाँ, ये जो है ये लेक फूड है, धरोई डैम और साबरमती रिवर में से भी निकलती है, लेकिन ज्यादातर आता है ये आंध्र प्रदेश से। अच्छा, इसको कटला बोलते हैं, बंगाली लोग ज्यादा खाते हैं इसको। अच्छा। 160 पर केजी का इसका प्राइस रहता है। ओके, वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी फिश लगी हुई है वहाँ पे। हाँ, ये इसी की फिश है, ये बड़ी वाली है, इसको अगर बोनलेस करते है तो 2.5 किलो में से 1 केजी निकलता है, और इसका 1.5 किलो वेस्टेज जाता है, लेकिन इसका हो जाता है फिश टिक्का। तो जैसे कि शोएब भाई अभी बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हो, ये वाला ये बोनलेस है। ओके, ये विदाउट बोन होता है। ओके, हाँ, जिम करने वाले जितने भी होते हैं उनको ये खाना होता है 300 ग्राम डाइट के हिसाब से। अच्छा, लेकिन ये फिश लोगे आप, हाँ, तो 1 किलो में से 300 ग्राम निकलता है, अगर ये 3 किलो लोगो तो 1 किलो हो जाएगा। ओ, इतना कम हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन इसमें कांटा नहीं होगा, सिर्फ मच्छी का मटन होगा पीस। अच्छा, मतलब पूरा बोनलेस वाला पीस रहेगा ये वाला। और शोएब भाई यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये जो प्रॉन्स है, हाँ, इसकी टेल निकालते हैं और इसके अंदर से नस होता है, इसकी वेन होती है, उसको निकालते हैं। अगर वो नहीं निकालते तो अंदर रेती होगी, तो आपको इससे जो बोलते हैं ना किडनी में, मतलब इन्फेक्ट वो हो जाता है, मतलब पथरी हो जाती है। अच्छा, खाने में मजा भी नहीं आएगा। अच्छा, बढ़िया। उल्टा उसको क्लीन अप करते हैं, हम साफ करके देते हैं इसको, होटल में ये साफ किया हुआ नहीं होता। अगर आप यहाँ पे मतलब बेचते हो तो आप पूरा साफ करके देते हो? साफ करके देते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा प्रोसेस में आपको वो वाला भी दिखाते हैं कि साफ कैसे होता है और किस तरीके से साफ करते हैं ये सब। राजू भाई यहाँ के उस्ताद है, बहुत ही बढ़िया से फिश कट करते हैं। पहले फिश यहाँ पे साफ होगी ना भैया, फिश यहाँ पे पहले साफ होगी। हाँ, पहले पर काटे जाएंगे इसके, और इसके बाद इसको कटिंग किया जाएगा ना। चलिए, फिश कट हो चुकी है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो एकदम साबुत एकदम रहता है। देखो, एक पीस भी ऐसा नहीं कि एक पीस मोटा एक पतला, एक मोटा एक मोटा एक पतला, सारे के सारे समान पीस है यहाँ पे। भाई गजब के कलाकार हो आप तो है। ये नमक वाली बर्फ रहती है? नहीं, नहीं। अच्छा, सादी बर्फ है। अच्छा, बढ़िया। यहाँ पे बहुत सारे फिश है, यहाँ पे आपको झींगे भी मिल जाएगी यहाँ पे बहुत सारे। ये बड़े वाले फ्रेश झींगे भी है, और ये छोटे वाले झींगे भी है,
ये फ्रोजन झींगे बोलते हो ना आप उस वाले को? इसको फ्रोजन बोलते हैं। अच्छा, और ये वाले झींगे भी हैं यहाँ पे, और ये भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, सब किस्म लोग आपको आपको मिल जाएंगे, पूरा पूरा आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं ये ले लीजिए मेरे हाथ से। बढ़िया है, आपको बहुत सारे फिश की वैरायटी मिल जाएगी। भैया आपको एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके की फिश आपको ज्यादा सूट करेगी और क्या आपको लेना चाहिए, ठीक है? तो ये सिल्वर फिश का विजिट हमारा, फिश ले लिया है और फ्रॉन्स भी ले लिया, तो बस चलो चलते हैं वापस। नेहरू ब्रिज थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया गया था और अभी मैं देख रहा हूँ नेहरू ब्रिज चालू हो गया है, तो जो कोई भी विजिट कर रहा है जिसको पता नहीं था कि नेहरू ब्रिज चालू हो गया है, तो आप अगर यहाँ से इस ओर से उस ओर जाना चाहते हो तो नेहरू ब्रिज ओपन है। यहाँ पे रोड नया बन गया है, दोनों तरफ का रोड जो है वो एकदम मक्खन हो गया है, जो पहले ऐसे वेव वाला रोड था वो अब ऐसा नहीं है, अब एकदम मस्त वाला स्ट्रेट रोड है।